दोस्तों, आपने जो अभी अभी ये वीडियो देखा वो किसी बॉम्ब के ब्लास्ट होने से निकले धुएं की नहीं थी, बल्कि दूर सैटेलाइट से कैप्चर की गई ये वीडियो एक अंडर वाटर वॉल्केनो के फटने की थी। जी हाँ, सही सुना आपने। टोंगा रीजन में हुए इस ब्लास्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस ब्लास्ट ने टोंगा और उसके आसपास के रीजन फिजी और सामोआ में सुनामी वार्निंग्स भी प्रोड्यूस कर दी थी। ब्लास्ट होने वाले शॉक वेव्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक फैले और यहाँ तक के स्पेस से भी देखे गए। 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इन वेव्स को महसूस किया गया। इरप्शन होने के कुछ देर बाद ही पूरा आसमान राख से ब्लॉक हो गया था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद ये सवाल सबके मन में जरूर उठता है कि आखिर अंडर वाटर वॉल्केनो के इरप्शन से इतनी तबाही कैसे मच गई? पानी के अंदर होने की वजह से तो उल्टा हमें किसी भी तरह का एक्सप्लोजन दिखना ही नहीं चाहिए था, तो टोंगा के इस वॉल्केनो में क्यों इतनी अननेचुरल चीज दिखाई दी? अंडर वाटर वॉल्केनोज आखिर फटते कैसे हैं और उनके फटने से ओशियन के इकोसिस्टम पर क्या फर्क पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्यों टोंगा वॉल्केनो एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अंडर वाटर वॉल्केनोज आखिर फटते कैसे हैं। अब जिसे भी वॉल्केनोज के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो उसे ये पता होगा कि वॉल्केनो के फटने से गर्म हवा और गर्म लावा बाहर निकलता है। अगर यह सच है तो अंडर वाटर वॉल्केनोज को तो फटने से पहले ही पानी की वजह से ठंडा पड़ जाना चाहिए था, है ना? वैसे अगर सच बताऊं तो अंडर वाटर वॉल्केनोज के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते। करीब 70% वॉल्केनिक इरप्शंस अंडर वाटर ही होते हैं। साइंटिस्ट अंडर वाटर वॉल्केनोज के बारे में ज्यादा कुछ इसीलिए नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि वो हजारों मीटर अंदर पानी के अंदर फटते हैं। इस तरह के वॉल्केनोज को सब मरीन वॉल्केनोज भी कहते हैं। अब अगर हम ऑन लैंड वॉल्केनोज से कंपेयर करें तो पानी की वजह से इस टाइप के वॉल्केनिक इरप्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अलग हो जाती है। जैसे कि जब हॉट मैग्मा वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो तुरंत ठंडा और सॉलिडिफाई हो जाता है और वॉल्केनिक ग्लास में बदल जाता है। वॉल्केनिक ग्लास तब बनते हैं जब मैग्मा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी के अंदर के लावा का टेक्सचर और शेप भी लैंड के लावा से बहुत ही अलग होता है। पानी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद लावा के अराउंड एक सॉलिड क्रस्ट बन जाता है। पीछे से निकलने वाला लावा इसी क्रस्ट के अंदर फ्लो करता है और पिलो लावा फॉर्म करता है। पिलो लावा पिलो टाइप के स्ट्रक्चर्स के होते हैं और ये ज्यादातर अंडर वाटर ही फॉर्म होते हैं। पानी में 2200 मीटर्स की गहराई में प्रेशर पानी के क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब पानी उस एनवायरनमेंट में बॉयल नहीं हो सकता। उस वक्त ये सुपर क्रिटिकल लिक्विड बन जाता है। सुपर क्रिटिकल लिक्विड वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर को क्रॉस करने के बाद बनता है। वाटर के बॉयल ना होने की वजह से कोई बॉयलिंग साउंड्स भी सुनाई नहीं देते, इसीलिए भी अंडर वाटर वॉल्केनोज को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वैसे अंडर वाटर वॉल्केनोज को हाइड्रोफोन्स की हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है। हाइड्रोफोन ऐसे माइक्रोफोन है जिसे पानी के अंदर के साउंड्स को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंडर वाटर वॉल्केनोज दो अलग अलग टाइप के साउंड्स जनरेट करते हैं। एक तब होता है जब बड़े बड़े लावा बबल्स स्लोली रिलीज होते हैं और दूसरा तब होता है जब इन्हीं लावा बबल्स के क्विक एक्सप्लोजन्स होते हैं। अब किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन में मैग्मा अर्थ के डेप्थ से निकलकर लैंड के सरफेस या सी फ्लोर तक आता है। इस मैग्मा में डिजॉल्व्ड गैसेस होते हैं जो प्रेशर की वजह से बबल्स फॉर्म करते हैं। लैंड और सी में फट रहे वॉल्केनो में ये फर्क होता है कि मैग्मा के बाहर निकलने के बाद भी अंडर वाटर मैग्मा पर बहुत सारा प्रेशर पड़ता ही रहता है। इस प्रेशर से लावा का फॉर्मेशन चेंज होता है और वो बहुत सारे गैस बबल्स बना देता है। अब जो ये दो मेथड्स मैंने आपको बताया उससे ये भी पता किया जा सकता है कि इन दोनों टाइप के एक्सप्लोजन से मरीन एनिमल्स और इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों से एक बात तो पक्की है कि अंडर वाटर एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन रुको, टोंगा में हुए वॉल्केनिक ब्लास्ट ने तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया तक धुआं फैला दिया, पर सवाल ये है कि आखिर ये कैसे हुआ था। दोस्तों, वैसे तो किंगडम ऑफ टोंगा कभी इस तरह से ग्लोबल अटेंशन नहीं पाता, लेकिन इस अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान इसके तरफ केंद्रित कर दिया। अब दोस्तों, वैसे तो टोंगा इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके अंदर दो छोटे छोटे आइलैंड्स है जहाँ कोई नहीं रहता है। ये सी लेवल से सिर्फ 100 मीटर्स ऊपर उठा हुआ है, लेकिन सी वेव्स के नीचे छुपा है एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनो।
ये करीब 1800 मीटर हाई है और कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये वॉल्केनो पिछले 10 सालों में कई बार फटा है। 2009, 2014 और 2015 के वक्त मैग्मा के गर्म जेट्स और स्टीम वेव्स के थ्रू एक्सप्लोड हुए थे, लेकिन ये एक्सप्लोजन जनवरी 2022 में हुए एक्सप्लोजन के मुकाबले बहुत ही छोटे थे। एक रिसर्च के मुताबिक और पिछले कुछ एक्सप्लोजन को देख के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये वॉल्केनो हर हजार सालों में इस तरह का मैसिव एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर सी वाटर होने के बावजूद भी ये इतनी हाईली एक्सप्लोजिव वे में क्यों फटा। जब सी वाटर में मैग्मा धीरे धीरे राइज करता है, तब 1200 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी मैग्मा और पानी के बीच एक भाप की पतली सी लेयर बन जाती है। ये फिल्म एक इंसुलेशन की लेयर प्रोवाइड करती है, जिससे कि मैग्मा का आउटर सरफेस ठंडा हो सके। लेकिन यही सेम प्रोसेस तब काम नहीं आता जब मैग्मा ग्राउंड से वॉल्केनिक गैस के रूप में ब्लास्ट होता है। जब मैग्मा तुरंत पानी से टकराता है तो ये स्टीम लेयर्स तुरंत ही खत्म हो जाते हैं और गर्म मैग्मा को ठंडे वाटर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ले आती है। वॉल्केनो रिसर्चर्स इसे फ्यूल कूलेंट इंटरैक्शन भी कहते हैं और ये बिल्कुल किसी वेपन ग्रेड केमिकल एक्सप्लोजन की तरह होता है। बेहद ही वायलेंट ब्लास्ट मैग्मा के चीथड़े उड़ा देता है और इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होती है, जो नए मैग्मा फ्रेगमेंट्स के इंटीरियर सर्फेसिस को वाटर के कॉन्टैक्ट में लाती रहती है। इससे एक्सप्लोजन रिपीट होते रहते हैं और अल्टीमेटली वॉल्केनिक पार्टिकल्स सुपरसोनिक स्पीड से ब्लास्ट हो जाते हैं। साल 2014-15 के इरप्शन ने वॉल्केनिक कोन बना दिया था, जिससे कि दो आइलैंड्स मिलकर एक 5 किलोमीटर का बड़ा आइलैंड बन गए थे। 2016 में जब रिसर्चर्स ने सी फ्लोर को मैप किया तो उन्हें एक छुपा हुआ कैल्डेरा मिला, जो कि वेव्स के 150 मीटर नीचे था। कैल्डेरा बिल्कुल एक क्रेटर यानी कि बड़े से गड्ढे की तरह होता है। हुंगा टोंगा का ये कैल्डेरा करीब 5 किलोमीटर अक्रॉस में फैला हुआ था। छोटे छोटे वॉल्केनिक इरप्शंस मेनली इस कैल्डेरा के एजेस पर होते थे, लेकिन बड़े ब्लास्ट डायरेक्टली कैल्डेरा से ही निकलकर आते थे। ये इरप्शंस इतने बड़े होते थे कि निकलने वाला मैग्मा अंदर की तरफ कोलैप्स होता था और कैल्डेरा के इस गड्ढे को और गहरा कर देता था। अब पिछले कुछ इरप्शंस की केमिस्ट्री को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे इरप्शंस मैग्मा सिस्टम के स्लोली रिचार्ज होने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और फुल्ली चार्ज होने के बाद बड़ा वाला एक्सप्लोजन होता है, जो कि हमने हाल ही में देखा। इसके अलावा हमें दो और इरप्शंस के सबूत मिले हैं जो पास्ट में इस वॉल्केनो में हुए थे। इन एविडेंसेस को सही से ऑब्जर्व करने से पता चला कि ये एक्सप्लोजन्स हर 1000 साल में एक बार होता ही है। अब अगर मैं सच बताऊं तो हम अभी भी वॉल्केनो के इस इरप्टिव सीक्वेंस के अंदर हैं और बहुत सी चीजें अब तक क्लियर नहीं हो पाई है, और इसका रीजन ये भी है कि ये पूरा आइलैंड राख के बादलों से ढक गया है। इसके पहले होने वाले दो इरप्शंस मॉडरेट साइज के थे, जिन्होंने 17 किलोमीटर की हाइट तक के ऐश क्लाउड्स बनाए थे, लेकिन ये लेटेस्ट इरप्शंस ने नेक्स्ट लेवल का वायलेंस क्रिएट किया और 20 किलोमीटर से भी ऊपर तक के ऐश क्लाउड्स छोड़े। ये बड़े एक्सप्लोसिव पावर को दर्शाता है, जो कि सिर्फ मैग्मा और वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होते। ये एक्सप्लोजन तब हुआ जब फ्रेश गैस चार्ज्ड मैग्मा डायरेक्ट कैल्डेरा के अंदर से निकला। अब भी ये क्लियर नहीं है कि इसके बाद हुंगा से कोई और एक्सप्लोजन होंगे या नहीं। वैज्ञानिकों ने जब 1000 साल पहले हुए इसी तरह के एक्सप्लोजन के जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स को स्टडी किया, पता चला कि डायरेक्टली कैल्डेरा में से हुए एक्सप्लोजन के दौरान बहुत से सेपरेट एक्सप्लोजन इवेंट्स भी हुए थे। आने वाले वीक्स में शायद हमें और भी वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इस तरह के एक्सप्लोजन्स होते हैं तो सी लाइफ और इकोसिस्टम पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है। एक जायंट एक्सप्लोजन से वाटर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन बहुत सी जगहों पर 90% तक खत्म हो जाता है और वहीं पानी में कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। इससे अल्टीमेटली वाटर का पीएच लेवल कम हो जाता है और पानी एसिडिक बन जाता है। अंडर वाटर इरप्शन से मछलियां पूरी तरह से गायब हो जाती है या फिर मर जाती है। डीप वाटर्स में रह रहे प्लैंकटन्स भी खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह पर कार्बन ईटिंग बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज मोस्टली ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन से होने वाले चेंजेस से रिसर्चर्स ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओशियन ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के सर्टेन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे वैज्ञानिक ये भी पता कर सकते हैं कि ओशियन का
का इकोसिस्टम इस हार्श एनवायरनमेंट में भी कैसे सर्वाइव करता है। अब केवल इतना ही नहीं दोस्तों, इस वॉल्केनो के एक्सप्लोजन को समझने के लिए आप ये सुनो। इस वॉल्केनो एक्सप्लोजन के आवाज को न्यूजीलैंड तक सुना गया था, जो कि टोंगा से 2500 किलोमीटर दूर है। डालास का वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और वो टोंगा से 9500 किलोमीटर दूर है, उन्होंने भी इस शॉक वेव को मेजर किया था। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने इस शॉक वेव को सुना भी था। केवल इतना ही नहीं, भारत के एस वेंकट रमनन, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है फ्रॉम आईआईटी मद्रास, उन्होंने अपने घर में, जो कि वेस्ट मंबलम में है, एक स्मॉल वेदर स्टेशन इंस्टॉल करके रखा था। जब वो अपने घर में कुछ काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सीडेंटली नोटिस किया कि उनके बैरोमीटर रिकॉर्डिंग्स हवा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक सडन इंक्रीज दिखा रहा था। इसका मतलब ये जो टोंगा वॉल्केनो का एक्सप्लोजन का शॉक वेव था, वो भारत तक भी महसूस किया गया था। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक्सप्लोजन कितना ज्यादा भयंकर था। अब दोस्तों, इस वॉल्केनोज में और भी स्टडीज किया जा रहा है और दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट यहाँ पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके बाद और भी ऐसे भयंकर तबाही वाले एक्सप्लोजन हो सकते हैं, या फिर यह एक्सप्लोजन किसी भी तरह से हम इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसे जानने के लिए फिलहाल स्टडीज चल रही है। आपकी क्या राय है इस एक्सप्लोजन को लेकर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।